का किंग कॉन। कॉमेडी का किंग कॉन में संपदा की तरफ से आप सबका स्वागत है। किसके सर पर होगा कॉमेडी के किंग का ताज? कौन बैठेगा इस तख्त पर? जवाब देगी ये जंग और फैसला करेंगे हमारे जजेस। सो प्लीज वेलकम दिव्या दत्ता और जसपाल भट्टी। आज की जंग में अपने मजेदार बातों की तलवार और हंसी की ढाल के साथ हाजिर होंगे आपके सामने तीन महारथी, दीपक राजा, खयाली और गौरव शर्मा। जंग की शुरुआत करते हैं स्टैंड अप राउंड से। और सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं दीपक राजा। सचिकल दीवा जी, सचिकल भट्टी साहब। पहले 50-50 ओवर का मैच हुआ करता था, अब 20-20 शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा आने वाले टाइम में 420 शुरू कर देंगे। एक जमाना था भट्टी साहब, दिव्या जी, जब क्रिकेट में पैसे की खातिर कोई बिकता था तो उसे टीम से निकाल दिया जाता था, लेकिन आज जमाना यह है जो बिकता है उसे टीम में रखा जाता है। जो प्लेयर नहीं बिके उसके घर वाले कह रहे हैं तू क्यों नहीं बिका, उसकी वाइफ अलग से उन्हें ताना दे रही है जो नहीं बिके प्लेयर। कितनी शर्म आ रही है मुझे, सभी सहेलियां फोन करके के कह रही हैं तुम्हारा हस्बैंड बिका ही नहीं। उसका बेटा उसको दिलासा दे रहा है, कोई बात नहीं पापा हौसला रखे, एक दिन मैं आपको बेचूंगा। और शाहरुख खान से सारे हॉकी वाले प्लेयर नाराज हैं, हॉकी वालों का कहना है कि इसने पैसे सारे हमारी फिल्म से कमाई लगा सारे क्रिकेट में दिए। क्रिकेट में तो करोड़ों रुपए लग रहे हैं, बाकी टीमों का इतना बुरा हाल है, बाकी के प्लेयर हाथ जोड़ के बैठे हैं कि हमें कोई खरीदो तो सही, पैसे चाहे मत देना लेकिन दो टाइम की रोटी दे देना यार। थैंक यू। दीपक राजा ने सिक्सर मारा या नहीं जानते हैं हम जजेस से। दीपक, आपने सिक्सर तो मारा लेकिन आप ठीक तरह से अपने आप को बेच नहीं सके। जब प्लेयर अपने आप को बेचते हैं तो प्लेयर अपने टैलेंट को बेचते हैं, ना कि अपने ईमान को बेचते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा शायद कंफ्यूज कर रहे थे। बाकी कुछ चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया थी जब आप उसको दूसरी गेम के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो मैं आपको 6 रन देता हूँ। दीपक, मुझे लगता है आज तक की आपकी ये वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ बाकी दो राउंड संभालें। 5। हंसी के कुछ चुलबुले फटाके लेकर आ रहे हैं खयाली। नमस्कार भट्टी साहब। दिव्या जी, आपको दो बार। कई बार ही क्या होता है, हमें लोग बड़ा चिढ़ाते हैं कि यार आप कुछ खाया करो, कुछ शहद बनाओ यार। तो मैंने कहा यार क्यों ना ये दुनिया को दिखा दिया जाए, मैं कुछ करके दिखाऊं। फौज में भर्ती निकली दिव्या जी और मैं फौज में भर्ती होने चला गया। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा हिंदुस्तान बेरोजगार हो गया और यहीं खड़ा है। और जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैं अपना 22 इंच का सीना तान के जब दाखिल हुआ तो जाते ही ऑफिसर ने मेरा फार्म देखा और बोला भाई साहब इसमें एक्सरे क्यों लगाया है? मैंने कहा जी एक्सरे नहीं है, ध्यान से देखो मेरा फोटो है। और मेरा शरीर देख के बोला भाई साहब आपका पेट तो अंदर की तरफ जा रहा है, छाती आपके है ही नहीं, गालों में गड्ढे पड़े हुए हैं, बाल आपके बड़े हुए हैं, आप कलाकार हो? मैंने कहा जी सही पहचाना जी, मैं हास्य कलाकार हूं, मैं हंसाता हूं। बोला साले तेरी शक्ल देखे तो रोना आ रहा है, तू क्या हंसाएगा? ओ मैं क्या अफसर जी ऐसी बात थोड़ी है, मुझे शक्ल थोड़ी दिखानी है, मुझे तो गोलियां चलानी है। वो बोला भाई गोली तो तू तब चलाएगा ना जब तू बंदूक उठा पाएगा। और बंदूक उठा भी ली तो साले समझ नहीं आएगा तूने बंदूक उठा रखी है कि बंदूक ने तुझे उठा रखा है। थैंक यू। खयाली जी को जजेस देते हैं कितने मार्क्स?
जानते हैं हम जजेस से। जसपाल जी, ख्याली जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी वो ये है कि आप अपने पे हंसना जो है ना वो जानते हो। तो आप हैं बहुत पतले, लेकिन आपको थोड़ा सा नंबर में मोटा दे रहा हूँ, संभाल लेना। जो आपका स्टाइल ऑफ ह्यूमर है वो अगर थोड़ा सा इसमें और आ जाता तो और हंसी आती, यू नो दैट। बट आई स्टिल थिंक 6। हमारे अगले महारथी हैं गौरव शर्मा। भट्टी साहब नमस्कार, दिव्या जी नमस्कार। आज से ठीक 20 साल बाद यानी 2028 को हमारे देश के समाचार क्या होंगे? नमस्कार, आज 1 जनवरी 2028 के मुख्य समाचार हैं, देवानंद ने एक इंटरव्यू में कहा है अभी तो मैं जवान हूँ। ये इंटरव्यू उनसे युगांडा में लिया गया जहाँ वो अपनी अगली फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढने आए हैं। मल्लिका शेरावत करेक्टर रोल के लिए तैयार, प्रोड्यूसर उनमें करेक्टर ढूंढ रहे हैं। राखी सावंत का नया रिमिक्स एल्बम छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, लोगों ने पूछा आंचल है कहाँ। अदनान सामी ने तीसरी बार अपना 60 किलो वजन कम किया और वो गायब हो गए हैं और लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। बा ने अपना 400वां जन्मदिन मनाया, तुलसी और सातों मिहिर वहां उपस्थित। और अंत में भट्टी साहब, दिव्या जी, जाते जाते इस साल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्योंकि इस ट्रेजेडी के कारण आप दोनों हैं। चांदनी चौक का फव्वारा न होता, इंडिया गेट का नज़ारा न होता, आधा साल गुजर गया आपको हंसाने में, वरना इस साल में कुवारा न होता। थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं गौरव शर्मा को जजेस ने दिए हैं कितने मार्क्स। अब सुनिए एक ताज़ा खबर, दिव्या दत्ता की आत्मा आई जसपाल भट्टी में, उसने दिए खुल के मार्क्स, नंबर 9। मुझे लग रहा है कि आज आप खूब होमवर्क करके आए हैं। इट वॉज फनी, इट वॉज नाइस एंड इट वॉज इन योर एलिमेंट, बट स्टिल 7। स्टैंड अप कॉमेडी के राउंड में दीपक राजा को मिले हैं 11 मार्क्स, खयाली को मिलते हैं 14 मार्क्स और गौरव शर्मा को मिले हैं 16 मार्क्स। अब आ गया है समय इस जंग के दूसरे राउंड का, जिसमें तीनों महारथियों के बीच होगी जुगलबंदी और उन्हें विषय देंगे हमारे जजेस। तो तीनों महारथियों को स्टेज पर वेलकम करते हैं एक बार और, प्लीज। हाँ, तो मेरे ख्याल से कुछ घबरवाने वाला आपको देते हैं, ऐसी शख्सियत जो कभी मुस्कुराती नहीं है जो मेरे साथ बैठी है, मिस्टर जसपाल भट्टी। द टॉपिक इज जसपाल भट्टी एंड वी स्टार्ट विद समबडी इज हाइडिंग हिज फेस, खयाली, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो दिव्या जी, हम आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको पता नहीं, भट्टी जी आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे पता है। क्या देखती हो तुम मुझे तो शर्मा के मुंह फेर लेता हूँ, देखती हो तुम मुझे तो शर्मा के मुंह फेर लेता हूँ, जुल्फें तो तुम्हारी छू नहीं सकता, दाढ़ी में हाथ फेर लेता हूँ। अच्छा, ऐसे स्टायरबाज है, हर चीज में स्टायर निकालते हैं। मैंने कहा भट्टी साहब, ये नेता लोग चुनाव में उंगली क्यों खड़ी करते हैं? बोला पुत्र इसका मतलब। दिव्या जी, भट्टी साहब ऐसा नहीं कहते, आपके लिए इस तरह के शेर नहीं बोलते, वो आपके लिए इस तरह के शेर बोलते हैं कि आप मेरा कत्ल करोगी ये तो उम्मीद थी, आप मेरा कत्ल करोगी ये तो उम्मीद थी, पर उस दिन क्यों किया जिस दिन बकरी थी। जिस तरह हर सफल क्रिकेटर रिटायर्ड होने के बाद कमेंटेटर बन जाता है, उसी तरह हर सफल कॉमेडियन रिटायर्ड होने के बाद जज बन जाता है। और भट्टी साहब, भट्टी साहब के बारे में क्या कहूँ, क्यों जी, कोई भी कलाकार हिट होने के लिए उसे हिट शो देना पड़ता है, सिर्फ भट्टी साहब मात्र एक ऐसे कलाकार हैं जो फ्लॉप शो से हिट हो गए हैं। और ऐसे हिट हुए, इन्होंने काम ही शुरू से उल्टे पुल्टे शुरू किए, उसके बाद इन्होंने सब ऐसा फ्लॉप शो बनाया कि सारे फुल टेंशन में आ गए और अब ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं माहौल ठीक है, खाक माहौल ठीक है, और इनको यहाँ बैठकर नुक्स निकालने की आदत पड़ गई। अच्छा, लोग कहते हैं कि सद्दू जी बहुत हंसते हैं, भट्टी साहब बिल्कुल नहीं हंसते, वो मैंने लोगों को समझाया मगर आजकल हमारे पंजाब में भी तो वैरायटी आने लगी है।
जो बात बीच में रह गई थी, मैं भट्टी साहब को पूछा, मैंने कहा भट्टी साहब चुनावों के टाइम में नेताजी दो उंगली करके क्यों खड़े होते हैं? बोलो बेवकूफ पुत्र, इसका मतलब होता है बड़ा प्रेशर है, चुनावों का बहुत प्रेशर है अभी, चुनावों का बहुत प्रेशर है। मतलब कहने का मतलब कि एक भोलेपन से बहादुरी की बात कहे जाते हैं, उनका नाम जसपाल भट्टी। भट्टी साहब से मैंने कहा सर मैं भी नाम कमाना चाहता हूँ, ये क्या करूँ? ये बोले बस इसी तरह लोगों को हंसाओ, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, लोग फेंकेंगे अंडे टमाटर तो शाम की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा ये सिद्धू जी से तुलना कर रहे थे, मुझसे किसी ने कहा भट्टी साहब और सिद्धू जी दोनों जज है, दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा एक बोलता ही नहीं, दूसरा चुप रहता ही नहीं, एक सोच सोच कर हंसता है, दूसरा हंसने के बाद भी नहीं सोचता। और भट्टी साहब जब हंसते हैं तो हम देवा जी, भट्टी साहब को नुक्स निकालने की इतनी बड़ी आदत पड़ गई है, और ये घर जाते होंगे मैं पक्की बात कहता हूँ वाइफ के भी घर वालों के नुक्स निकालते होंगे, ये वाइफ को कहते होंगे ये कैसी टेढ़ी टेढ़ी रोटियाँ बना दी तूने, और बच्चे भी टेढ़े टेढ़े पैदा किए तूने, और इतना कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, एक भी बच्चा सुर में नहीं है सारा, तुम जा सकती हो खतरे की खाई में, मैं दे सकता हूँ तेरे को दो नंबर। वो कहती खतरे की खाई में बाद में जाऊंगी, पहले मैं माइके जा रही हूँ, मनाते रहना आप ही पकाते रहना रोटी, इस तरह के। हम तीनों कंटेस्टेंट्स की राय भट्टी जी के बारे में तो सुन चुके हैं, अब देखते हैं भट्टी जी का क्या कहना है। देखिए जब आप मेरे बारे में कुछ कह रहे होते हैं तो समझ जाता है कि आप में से कौन मेरी तारीफ कर रहा है, कौन बेइज्जती कर रहा है। तो इसलिए मैं ये सारी की सारी को अपनी बेइज्जती मान के आपको बराबर के मार्क्स दे रहा हूँ साथ साथ। सबने कहीं ना कहीं ढीलापन दिखाया पहले राउंड में, आई थिंक आप लोग थोड़ा खतरे वाला टॉपिक थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट कर रहे थे, लेकिन आपका सेकंड राउंड बहुत बढ़िया था। आई वुड गिव दीपक एंड खयाली 8, और आपका एक मार्क कट रहा है बिकॉज आपने टाइम का वो नहीं देखा, 7। जुगलबंदी के राउंड में दीपक राजा को मिले हैं 15 मार्क्स, खयाली को मिलते हैं 15 मार्क्स, और गौरव शर्मा को मिलते हैं 14 मार्क्स। अब शुरू करते हैं तीसरा राउंड, जिसमें सभी महारथी गैग्स के द्वारा दिखाएंगे अपनी अदाकारी का हुनर। और इस राउंड की शुरुआत करते हैं दीपक राजा से। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम जितने पैसे दोगे वो भी उतने पैसे देगा। भाजी सुबह सुबह बोनी का टाइम है, कुछ तो दें आप प्लीज। छुट्टे नहीं है तो बर्थडे ही दे दें, वो भी नहीं है। भाजी चैट तो करें, वो जेब फूली हुई लग रही मुझे। अपने औकात में समझे तो यार, ये लोग ना पीछे पड़ जाते हैं। हाँ भाजी प्लीज देखो जरा, कुछ तो होगा आपके पास है। ये लो 5 रुपए। पर भाजी मेरा ख्याल आपने मुझे पहचाना नहीं है। कौन हो तुम? मैं आप जब बस अड्डे पे आते थे मैं वहाँ पे मांगता था पहले जी। ओ अच्छा, स्टेशन के आगे जाके? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन भाजी आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। क्यों? उस वक्त आप मुझे 20 रुपए देते थे, आज 5 रुपए। एक्चुअली उस वक्त मैं बैचलर था। अच्छा। इसलिए तुम्हें 20 रुपए देता था। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं तुम्हें देने लगा 15 रुपए। अच्छा। उसके बाद हमारे घर बच्चा हुआ, मैं तुम्हें देने लग गया 10 रुपए। हाँ जी। आज मैं अपने बच्चे की स्कूल में एडमिशन करवा के आया हूँ, इसलिए तुम्हें मैंने 5 रुपए दिए हैं। वाह बाबू जी, मान गए आपके दिमाग को, हमारे पैसे से ही घर चला रहे हैं। इस राउंड के दूसरे महारथी हैं खयाली। अंकल आप चोर हो ना? नहीं। तो यहाँ रात को 2 बजे सिलेंडर भरने आया? मम्मी को बुलाओ। नहीं नहीं नहीं। पापा को बुलाओ। नहीं 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 नहीं।
दिव्या दत्ता को बुलाऊं? हाँ जल्दी। नंबर तेरा बाप देगा? चोरी करने आया हो ना? नहीं चोरी करने नहीं, तो रात को 2 बजे क्या कर रहा है? चल जल्दी चोरी कर, जल्दी कर, पापा उठ जाएंगे। सामान डाल जल्दी जल्दी डाल जल्दी। अब ये मेरा खिलौना, तेरा बाप दे। बस्ता तेरा बाप लेके जाएगा। अब आपके सामने एक मजेदार गैग लेकर आ रहे हैं गौरव शर्मा। हेलो रसिक भाई, शू हाल छे मोटा भाई? रिलायंस ना शू भाव छे? केम मोटा भाई, तुम्हारा सारा चेक रिटर्न आवी गया, शू करो छो? पटेल साहब। अरे रसिक भाई, हूँ 5 मिनट पाछे फोन करू छू। अरे गुप्ता जी आइए आइए। कैसे आना हुआ अचानक? मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। आइए बताइए क्या लाऊं आपके लिए, चाय कॉफी टैक्सी? मेरा मतलब एक बैठिए बैठिए, क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? कुछ भी चलेगा। गुप्ता जी आप मेहमान हैं, आप बताओ यार। ठंडा। ठंडा तो लाऊं, लेकिन क्या, जूस या शरबत? कुछ भी चलेगा। गुप्ता जी आप शर्मा रहे हैं, अरे आप मेहमान हो, घर आराम से बैठो आराम से। जूस या शरबत? जूस। जूस तो लाऊं, लेकिन कौन सा, ऑरेंज या अंगूर? कोई भी चलेगा। गुप्ता जी देखो दुश्मनी हो जाएगी। ऑरेंज। अच्छा विद आइस और विदाउट आइस? पटेल साहब मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है। हाँ। मैं चलता हूँ, जूस कभी फिर। जा रहे हैं जी? अच्छा गुप्ता जी देखिए, आज तो जाने देता हूँ लेकिन अगली बार नहीं जाने दूंगा। तीसरे राउंड के मार्क्स जानने से पहले हम बुलाते हैं आज की जंग के तीनों महारथियों को स्टेज पर एक बार फिर से। अब देखते हैं जजेस ने दिए हैं कंटेस्टेंट्स को थर्ड राउंड में कितने मार्क्स। दीपक बाबा अभी ज्यादा खुले नहीं है, हमारे पास 7 ही रखो। दीपक 8। ख्याली छोटे बच्चे के लिए छोटे छोटे मार्क्स। ख्याली ऐसे हैं जो उसमें भी खुश रहेंगे, बट आई वॉन्ट यू टू बी डूइंग मच बेटर। 6। गौरव भाई साहब अगली बार आएंगे तो अगली बार मार्क्स दे देंगे आपको। चलो 5। गौरव मैं चाहूँगी आप अपने जो भी जोक्स चुनते हैं परफॉर्म करने के लिए उन पर थोड़ा ध्यान दें, बिकॉज उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है। So, 7। गैग्स के राउंड में दीपक राजा को मिले हैं 15 मार्क्स, खयाली जी को मिले हैं 10 मार्क्स और गौरव शर्मा को मिले हैं 12 मार्क्स। अब देखते हैं हम टोटल मार्क्स। गौरव शर्मा को मिलते हैं 42 मार्क्स, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। दूसरे पोजीशन पर 41 मार्क्स के साथ है दीपक राजा, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, वापस जा सकते हैं। खयाली को मिलते हैं 39 मार्क्स। ओके। यहाँ पर एक राउंड से किसका पलड़ा भारी होगा, यू रियली डोंट नो। दिस एपिसोड इज अ सरप्राइज टू मी, रियली। ये इस शो की खासियत है। एब्सोल्युटली। खयाली की किस्मत ने नहीं दिया उनका साथ और वो फंस गए हैं खतरे की खाई में। जहां देना होगा उन्हें कठिन इम्तिहान, क्या ये बचा पाएंगे अपनी आन? जानने के लिए देखते रहिए कॉमेडी का किंग कौन सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ सब पर।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.